आज से कुछ दिन पहले कानून मंत्री ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। कानून मंत्री के इस बयान पर बवाल भी मचा था। अब उनके इसी बयान को लेकर संसद में सवाल भी पूछ लिया गया। सवाल ये था कि आपके सूचना का स्रोत क्या है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्रालय को सूचना दी थी क्या। अब इसी सवालों का जवाब दिया है रिजिजू ने। अब अगर जवाबों की बात करें तो लिखे जवाब में रिजिजू ने प्रश्नों का सीधा जवाब तो नहीं दिया है, जबकि हिंदी में उन्होंने सिर्फ जी नहीं कहकर छोड़ दिया है। बाद में रिजिजू ने राज्यसभा को जानकारी देते हुए कहा था कि समय समय पर न्याय विभाग में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती है। हालांकि ये शिकायतें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में होती है। इन सभी बातों के अलावा भी कानून मंत्री ने बहुत सी बातों के बारे में बताया जो कि किसी भी तरीके से इस बात से रिलेटेड नहीं थी। उनसे पूछा कुछ और गया था और उन्होंने बोला कुछ और था। खैर, आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम के दौरान कुछ रिटायर्ड जजों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इनमें से कई भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा था कि हाल ही में जजों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि कार्यपालिका न्यायपालिका को कैसे प्रभावित कर रही है। कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है जो बदले की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।